मध्य प्रदेश के पेटलावाद ब्लॉक के किसानों के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली माही परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। माही परियोजना के तहत मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया, लेकिन घटिया गुणवत्ता और नहरों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के चलते करदाई और केसरपुर के बीच नहर टूट गई है, जिसके चलते आसपास के 5 एकड़ से अधिक इलाके में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। दरअसल 300 करोड़ से अधिक की परियोजना के तहत पेटलावाद ब्लॉक के 70 से अधिक गांवों में नहरों के माध्यम से पानी दिया जाना था। करीब 3 सालों से योजना के तहत नहरों के निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा किसानों को अपनी खड़ी फसल का नुकसान उठाकर भुगतना पड़ रहा है। नहर टूटने की शिकायत पर माही परियोजना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और इस दौरान अधिकारियों को ग्रामीण किसानों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। यही नहीं, परियोजना के तहत किसानों के खेतों में बनाए जा रहे कुएं भी घटिया गुणवत्ता के चलते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नुकसान तो बताएं तो क्या काम दे। ये अधिकारी लोग कह रहे हैं कि पटवारी साहब तुम्हारा वो करेगा, ये करेगा। पटवारी साहब आए तो मालूम पड़े पटवारी साहब क्या कर रहे हैं। कितनी फसल की बर्बादी हुई है? फसल तो मतलब 1 बीघा का 10 क्विंटल गेहूं पाके है, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो आप 2.5 बीघा जमीन है हमारे। कितनी बार उनको जा के बोले वो के आप करते ना, बोले ना कुछ नहीं, जमीन देखो आप, इतनी हमारा नुकसान हुआ पड़ा। नुकसान हुआ है आपका, तो मुआवजा मिला आपको? और उस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरह से माही परियोजना में ये भ्रष्टाचार की पोल खुलते हुए नजर आ रही हैं, इसको लेकर आपके पास और क्या कुछ जानकारी है? जो माही परियोजना है, जो अधिकारियों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और इन किसानों ने पहले अवगत कराया था जिस तरह की क्वालिटी नहर बनाई जा रही है, निर्माण किया जा रहा है, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गुणवत्ता ही है। इन्हीं को लेकर किसानों ने भी अवगत कराया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन की इससे कोई सूद नहीं लेगी, न ही कोई प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन आज ये स्थिति हुई जब किसानों का बड़ा नुकसान हुआ और खेतों में जो पानी जा घुसा, जिस तरीके जो किसान थे उसी किसान को लेकर जो फसल उत्पादन उसने पूरी तरह पानी घुस गया और उससे जो फसल उत्पादन होने वाली थी उसको ही एक बड़ा नुकसान हो गया किसानों का। तो किसानों का यही आरोप है कि हमने लगातार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कुछ नहीं की गई, उसकी वजह से किसान बहुत चिंता में नजर आ रहे हैं। मुकेश, जिस तरह से एक तरफ भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 एकड़ से अधिक इलाके में किसानों की खड़ी फसल जो है वो बर्बाद हो रही है, इसका भुगतान कौन करेगा? यही तो बात है, किसानों का तो कहना है कि 3 सालों की ये योजना है नहरों का निर्माण, लेकर ग्रामीण द्वारा कई बार शिकायत के बाद जिम्मेदार द्वारा ध्यान नहीं दिए गए, हमारी आज किसानों को अपनी खड़ी फसल का नुकसान होगा। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश